स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भवानीपटना के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि मेरे कुछ नए नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, उनको कॉलेज के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जो कि कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है, फ़ी कितना है और प्लेसमेंट का क्या मामला है। तो उसी सब कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आ चुका हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैक बाइकर। अभी मैं कॉलेज के बारे में पहले आपको बताता हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कालाहांडी एस्टैब्लिश इन ईयर 2009 बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, जो कि बीपीडी के अंडर आता है। ये इंस्टीट्यूट है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कालाहांडी भवानीपटना और इंस्टीट्यूट NH201 बरगर से बरीगुमा के बीच आता है और 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम भवानीपटना ऑन द वे टू जूनागढ़। इस कॉलेज में सीट पाने के लिए आपको उजय देना पड़ेगा, नहीं तो जे मेन देख के भी आप सीट यहाँ पा सकते हो, ठीक है? लिटरली भाई, ये बहुतों का कमेंट्स आया है मेरे कमेंट सेक्शन में। चलो फ़ी के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज में फ़ी कैसा है, एडमिशन कैसा है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है? देखो, पहले आपका काउंसलिंग होगा ऑनलाइन जे वेबसाइट में, ठीक है? फिर यही कॉलेज में आपका अगर अलॉटमेंट हुआ तो आपको सीट रिजर्वेशन का 5000 और ऑनलाइन काउंसलिंग का 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है? फिर रेस्ट अमाउंट जैसे कि 33000 आपको एडमिशन के टाइम में देना होगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज अभी 2009 मतलब लगभग 10 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, ठीक है? तो काम अभी भी चालू है कुछ जगह पे, और बीच में 2020 को कोविड हॉस्पिटल बन चुका था, बिकॉज कालाहांडी में ये सबसे बड़ा कॉलेज है, इसलिए बना था कोविड हॉस्पिटल। इसीलिए कॉलेज में अभी भी मतलब रिनोवेशन का काम चालू है। बाकी कॉलेज बहुत बढ़िया है, ठीक है? गेम्स के लिए फील्ड है और भी बहुत कुछ है। तो जो फ्रेशर है आइए और देखिए। चलो अभी मेन मुद्दा पर बात करते हैं, जहाँ पे सब स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है? हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। अभी हॉस्टल के लिए भी मेरे बहुत कमेंट आए हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर कमेंट, मुझे कमेंट करने के लिए वेरी थैंक यू सो मच, ठीक है? देखो, कॉलेज के अंदर आपको 2 बॉयज़ हॉस्टल एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है? बॉयज़ हॉस्टल का नाम है VHR और APGHR, और गर्ल्स हॉस्टल का नाम है MTHR, ठीक है? ये जो कॉलेज के अंदर जो 3 हॉस्टल है, आपको 4th फ्लोर तक मिल जाएगा, मतलब 4 तला का बिल्डिंग है ब्रो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? हॉस्टल में 4th फ्लोर तक रूम्स है और अराउंड 450 हाँ, एक रूम में 3 स्टूडेंट रह सकते हैं, ठीक है? और हॉस्टल के अंदर ही आपको कैंटीन मिल जाएगा, जो कि खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है? और रही प्लेसमेंट की बात, आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वेबसाइट पे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से देख सकते हो प्रीवियस में सब कौन सा कंपनी आया है और कितना बच्चे का कितना स्टूडेंट्स का कैंपस मिला है, ठीक है? आपको ये कॉलेज का वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है? और मेरी बात करूँ तो मैं 2020 को एडमिशन किया था, जो कि मैं भी अच्छे से नहीं जानता हूँ, अगर कुछ मेरे से गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना यार, ठीक है? मैं कॉलेज एडमिशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में 3 महीना ही कॉलेज गया हूँ बस, बाकी कोरोना के चलते मैं घर पे ही रहा हूँ। सो आई थिंक मैंने आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर किया होगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कर रहे बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कमेंट करो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? और इंस्टाग्राम का नाम है मेरा mac_biker_13, ठीक है? आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट DM करो, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू।